बाकी है यहाँ से? सेटल भाई 25 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटा मैक्सिमम। यार ये क्या हो गया है, ये कैसे? या तो कब्रिस्तान है नहीं सुहेल भाई, किसी की शरारत है। बाउंड्री के अंदर मुझे लोकेशन जो मैं देख रहा हूँ, बाउंड्री के अंदर कच्चे पक्के अंदर कमरे बने हुए हैं जी, कुआं भी है। और ये मतलब क्या निकल गया है ये जमीन के अंदर से? यार साहब जमीन के अंदर से हो सकता है किसी की शरारत भी हो सकती। नहीं ना वो बता रहे हैं ना भाग गए सब। अब मैं ये समझ नहीं आ रही मुझे कि ये खुद निकला है कुछ, या इन्होंने खोदा है, खुदाई की है तो कुछ निकला है, या खुद ही निकल गई है कुछ चीज। यार जमीन के अंदर क्या होता है इतनी बड़ी, तो इंसान की कब्र नहीं लग रही पूरी? पूरी ही कब्र लग रही है। अगर कोई निकला है तो जानवर तो नहीं निकल सकता, अगर उसको दफना दिया है मार दिया है तो वो, मुझे ये लगता है कि शायद किसी ने किसी को छेड़ने के लिए डराने के लिए किया हो। लेकिन आप जो नौयत बता रहे हैं जिस किस्म की है वो कब्र, तो फिर ये तो बड़ी हैरत की बात है कि आखिर हुआ क्या है उधर। आवाज़ों की शिकायत तो बहुत थी, अब बता रहे हैं कि राज्य सब भाग गए हैं। आवाज़ों की तो शदीद शिकायत थी जी, और कह रहे हैं कि ये भागे हैं सब ये देखकर कि ये क्या निकल आया है। अब उनके सामने निकला है या किसी को आवाज़ें या कुछ महसूस हुआ, किसी ने खोदा है कुछ निकला है अंदर से, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कब्र खुल गई हो पूरी। हाँ जी, ये पिक्चर में तो यही लग रहा है, ये फट गई है सजद भाई, जैसे अंदर से ना कब्र जैसे फट जाती है। हाँ ये वैसे ही हुआ है यार, फिलहाल जब तक देखेंगे नहीं साहब, मुझे तो आइडिया नहीं हुआ इस चीज़ का, तो हुआ क्या? तकरीबन मेरे ख्याल से 1 एकड़ पे जगह ही है पूरी, कमरे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शुरू में बीच में ना रुक गया काम, बनाते बनाते जैसे रुक जाता है ना काम जी, ऐसा लगता है जैसे काम रुक गया। यार कब्रिस्तान तो नहीं लग रहा कहीं से वो, कि कब्रिस्तान हो या किसी जानवर ने आके, अक्सर जानवर कब्रों के साथ कर जाते हैं ऐसा, लेकिन वो तो एक सुराख से करते हैं, तो ऐसा लग रहा है पूरी कहीं ना कहीं, मुझे कामरान भाई की बात सही लग रही है कि फट गई है अंदर से कोई निकला है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि लोग डरे सर, भागे हैं डर के तो भागे तो फिर तो ये तो नामुमकिन बात है ना कि किसी जानवर ने खोदा होगा। हाँ। नहीं जानवर भी इतना थोड़ी खोद सकते हैं सजन भाई, नहीं खोद सकता है। नहीं खोद भी सकता है जानवर, अगर लगातार लगा देते हैं तो वो पंजों से अपने कर लेते हैं। देखिए जी एक मॉनिटर लिजर्ड टाइप ना इस तरह के वगैरह चीजें तो रहती हैं जमीन के अंदर, ठीक है जी, लेकिन वो इतनी बड़ी कब्र नहीं होती, एक सुराख सा होता है जैसे सांपों का सुराख होता है, इसी तरह कई ऐसे जानवर हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं जी, खासकर इन बारिशों के मौसम में। यार वैसे सूरज भाई हम जा जिस एरिया में रहे हैं ना उससे करीब पड़ता है गडाब भी, और वो इलाके भी जहाँ छुपा कैबरा के हमले हुए। बिल्कुल, लेकिन इसके आसपास कोई दरिया नदी है, मलीर नदी जी, जाती है? हाँ, जी, जी, जाती है। आपने शूट भी किया? जी जी शूट भी किया भाई। क्या छुपा कैबरा जमीन के अंदर होता है? ये सजद भी बारिश के टाइम में सुना है ये लोग मतलब जमीन के ही अंदर या किसी जगह छुप जाते हैं पहाड़ों के अंदर, समझो ऐसी जगह हो। एक बलूचिस्तान के अंदर एक मखलूक ऐसी मिलती जुलती सुहेल भाई, याद है आपको उसकी तस्वीर भी आई थी हमारे पास, हमने उस पर काम भी किया था जब हम गए थे बलूचिस्तान, उसको क्या बोलते हैं? चुकबर। चुकबर। और आप नोट करें ये छुपा कैबरा नाम नोट कर लें और चुकबर नाम नोट कर लें, ये हमारे बलूचिस्तान का नाम है चुकबर जी, शायद इसी को कहते हैं। और अंग्रेजों का नाम देख लें छुपा कैबरा जी, छुपा कैबरा। हमारे पास तस्वीर आई थी जी 2015 या 16 में जिसपे हम बलूचिस्तान गए थे, जो हमारी गाड़ी पे भी हमला हुआ था जी, याद है आपको? जी जी याद है बिल्कुल। और उसके मुतालिक भी कहा जाता था कि वो जमीन के अंदर घुस जाता है दरिया में पानी में, बड़ी मुश्किल पकड़ा जाता है। अब मुझे पता नहीं वो जो तस्वीर भेजी थी हमें वो सही थी नहीं थी, लेकिन मिलती जुलती है बात है। सजल भाई आगे से राइट सीधे आते जी, तो ये बड़ी मशहूर मखलूक है जी बलूचिस्तान की, चुकबर चुपकर जी। ये जो है ना हमने इस पर काम किया है पहले, और क्योंकि मुझे जो हाइट लग रही है ना वो तो एक इंसान की 5-6 फुट हाइट जैसे कब्र होती है यार जी।
अल्लाह रहम करे साहब, बगैर देखे इस वक्त बात कर रहे हैं, वहाँ जाके सिचुएशन देखते हैं। पता नहीं कोई है नहीं है उधर, वो तो आसपास के जो इलाका मकीन है उन्होंने तस्वीर खींच के भेज दी है कि जी ये दरवाजे खुले हुए हैं, ये सारा सामान बिखरा हुआ है, कमरे खुले हुए हैं और ये कब्र जो है ना उपचित बारिश के पानी से ताजी। ये बंदा अगर वहाँ का ये वो मिल गया ना शायद भाई, जिसने ये देखा था जो भाग गया था देख के। जी जी जी, मतलब उन्होंने देखा क्या, उन्होंने निकला क्या उसमें से, कोई तो वही तो बताएगा। उन्होंने खुद खोदा या खुद खुली है ये? ये खुद खुली है सजाद भाई, सॉरी भाई, ये खुद खुली है। मतलब अल्लाह माफ करे कि किसी को जिंदा दफना दिया था क्या। अब ये साहब भी देखते हैं इसको, बहुत करीब से देखेंगे, उसके बाद उसको आइडिया लगेगा। ये क्या है, मैंने कमरों की वीडियोस आई है ना अंदर की जी, उसमें मैंने देखा सामान बिखरा हुआ है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल है नहीं, जैसे कुछ जल्दी में नहीं जाता अधूरा काम छोड़कर। जी जी जी, कुछ वैसे मामलात थे जो दिख रहा था जी, कुछ जल्दी में या अधूरा छोड़ के, मतलब कुछ चाल नहीं बनी हुई थी काम की। अच्छा, भागे है ना, आधा काम मतलब कर रहे थे, जो खेती बाड़ी भी कर रहे थे, अपना मवेशी भी रखे थे, सब छोड़ छाड़ के भाग गए हैं। अभी शायद मवेशी भी हम लोगों को एक दो मिले जो मतलब रोड के ऊपर ही घूम रही है खुले, वो भी इस टाइम के अंदर, इस दौर के अंदर किसी को हिम्मत ही नहीं है दरवाजे के अंदर जाने का। ये फर्स्ट केस आया है बाकी यार, ये अपनी नौयत का पहला केस आया है सर। एक अंदर एक प्लॉट के, एक घर के, एक फार्म हाउस के औताक के अंदर एक कब्र खुद गई है। कब्र दरियाफ्त तो हमने किए हैं, लेकिन ये कब्र के अंदर से निकलने वाली चीज ये फर्स्ट टाइम आ रही है। जी, नो डाउट हमें कई जगहों पे ऐसी मिली है बनावटें जिनको कब्र कहा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन कोई खुला नहीं था, खुला नहीं था, कुछ निकला नहीं था यार ना। मैं पता है किस बात पे कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने खुद खोली है किसी वजह से, खुदाई की है किसी वजह से, या कुछ खुद ब खुद ही निकल गया है। एक होता ना कि डाउट होता है कि ज़मीन के अंदर कुछ है जी, जैसे हमें भी कई बार ज़मीन के अंदर से आवाज़ें आई हैं, मतलब नीचे ज़मीन वाइब्रेट हुई है जी, बिल्कुल। तो क्या इस चक्कर में किसी ने खुदाई कर दी है,
लग तो नहीं रहा है खुदाई की है किसी ने, किसी को इतनी हिम्मत थोड़ी अंदर जाके सजाद भाई खुदाई करे ना, हमारे सामने आ जाएगी बिल्कुल आईने की तरह। साजद भाई बस पहुंचने वाले हैं जी, आगे कुत्ते बहुत हैं ठीक है। भाईजान सामने देखे हैं साजद भाई, रुके देखे, बेल्ट भी इसके गले में बंधा हुआ है, थोड़ा आगे पहुंचे, आगे गाय है जी जी जी, गाय है ओ, ये क्या मुसीबत है ये मरे हुए हैं सजद भाई, ये अजीब सी बात है यार, इधर गाय मरी गई है, कुत्ते मर गए, ये सब सुहेल भाई भागी हैं अपनी जगह छोड़ के जी। इस जानवर की लिम्पी बिरयानी, लिम्पी बीमारी नहीं है सोचते? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लिम्पी बीमारी नहीं है इसको, पूरा गले में वो भी है यार जी 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 सजन भाई, ये मैंने सजाने का जो होता है जी जी, वो भी नहीं निकाला है। नहीं तो आप ये क्या कह रहे थे कि रोड पे छोड़े हुए जानवर सारे खुल गए हैं, कोई छोड़ के भाग गए हैं सजन भाई, यार इनको तो इनको उनको किसने मारा है सबको, ये हैरत की बात है। वो देखे वो चेक करें, यार तो आगे इतने हैं, कितने होंगे यहाँ पर, बहुत होंगे यार, काफी सारे होंगे सजद भाई, आगे भी गिरे होंगे खाली पीछे वाला पाँव पकड़ा हुआ है, और ठीक है सामने पहाड़ी है जी, और सामने इसका मतलब और भी हलाकते हैं, क्या हाल हुआ होगा वहाँ पे, शोर मच गया होगा, एक भगदड़ मच गई होगी, चीखों पुकार, मुझे लगता है चपले भी बहुत मिलेंगे उधर। चले चले अभी कितना टाइम है, बस वो सामने आगे जाना है पहाड़ी के पीछे, करीब ही नदी भी आ रही है, ये देखिए पानी आ गया, यहाँ भी आ गया पानी, यहाँ भी आ गया यार, चुपा कैमरा
सुनिए ना, सुन रहे हो टन 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 की आवाज आई? हाँ अभी भी आ रही है। अंदर से आ रही है भाई। ये सजर भाई जल गए हैं या लाल लाल खून है उनके ना पौधों के बीच में, ऐसे लग रहे हैं कि ब्लड है। ये देखें, एक यहाँ पे सोल भाई, एक और है, एक वहाँ पे, वहाँ ये देखें इसके बीच में। ये नहीं, मेरे ख्याल से बारिश की वजह से शायद ताज़ा। ये आपने एक साइड देखी है अभी जी, आए दूसरी साइड देखेंगे, आए दूसरी साइड देखते हैं इसके। दूसरी साइड बिल्कुल कच्ची मिट्टी है यहाँ पे, साथ वाली जो जगह है। ये बाहर करीब ही हमने जानवरों को देखा है, ना सिर्फ गाय को बल्कि बहुत सारे कुत्तों को। जगह जगह जलाया गया है कोई चीज जी, कवर ना हो जाए। यार ये सारा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, मैंने कहा ना आपको लगेगा आपको जल्दबाजी में गए, चाल तो नहीं है? नहीं 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 चाल नहीं। ये भी खाली चिकी भी थी, इतनी खुदाई करके मट्टी दब के ला के यहाँ आबाद। कान में आ रही है जैसे कोई रो रहा हो।
पर काट कुट के खा गए क्या क्या कर दिया बाहर हमने रोड पे यही हाल देखा है। ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने खुदाई की है। हाँ। कुछ जानवर निकला है इसमें से निकला है या जाने की कोशिश की होगी अंदर छुपने के लिए। ये वो रही जी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ये सही कह रहा था कमीना यहाँ भी यहाँ भी और भी है इधर आ इधर आ इधर आ यहाँ आस पास जानवरों की ऐसा लगता है खैर नहीं है जी। क्या निकल गए हैं हमें तो एक भेजा था क्या है ये चुकबर जी सदर ये क्या हकीकत है ऊपर जमीन के अंदर छुप जाता है क्या पहाड़ों वो देखे पहाड़ नजर आ रहा है आपको हाँ। वो देखे पहाड़ नजर आ रहा है जी। ये बलूचिस्तान में तो कई बार शिकार किया गया कई बार लोगों ने पकड़ा इसको मारा लेकिन जो हम आसपास जानवरों को देख रहे हैं रोड पे आपने देखे ये आपने देखा आवाजें आपको आ रही हैं भाई हर इसके अंदर यही है क्या मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कौन सी मखलूक है लेकिन ये खुली हुई लग रही है वो खुली भी कोई भी नहीं मिली क्यों खोदेंगे नहीं ये वो जो खड्डा है वहाँ जो नजर आ रहा है ऐसा लगा कि शायद यहाँ से निकल के वहाँ जा रहा था वो अंदर घुस रहा था क्योंकि वो ऐसे निशान आते हैं ना ये मिट्टी निकालने वाले तो उसे बात करें तो इसी के बारे में कहते ना लंबी लंबी जंपे क्योंकि इसके पाँव का निशान नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा क्या मतलब यहाँ से निकल के डायरेक्ट जंप जंप और ये दीवारें तो उसके लिए कुछ भी नहीं है 20-20 फुट की चंपे हैं यार देखते रहिएगा पता नहीं और क्या क्या मिले यहाँ पे क्या ऐसी कोई सामान छोड़ के जाता है नहीं आपको कहीं से चाल नजर आ रही है ये रेती बजरी ब्लॉक्स पत्थर यार प्रॉपर मकानात बनाए हुए साहब भाई उसने देखे कॉलम पूरे तैयार कितने आपको मिले हैं आ गई टटेरी हाँ आ गई
इसका क्या काम है आप? जी इसका ही काम है साहब। लेडीज नहीं है? लेडीज लेडीज शोर कर रही है, शोर है। वॉशरूम के दरवाजे तक नहीं लगाया यार। बारिश का थोड़ा सा सुन रहे टन 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 टन। हाँ ये तो आते ही जब गेट के अंदर आए थे तब से शुरू हुई है। अल्लाह माफ करे यार। सुन भाई जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ एक बकरा बांधने की देर है बस। आ जाएगा। जो हालात है ना आसपास के, कुत्ते ही नहीं छोड़े, बड़े बड़े गाय नहीं छोड़ी। डेंजर का साइन नहीं लग रहा? वो रेक ही बना हुआ है। रेक ही छोटा। हाँ। जैसे रुक जाओ या स्टॉप। स्टॉप। है ना? जी। कुछ आग के निशानात भी है जगह जगह। बंद है। ये किचन हो सकता है। ये मुझे लगता है पुराना बना हुआ है। लग रहा है गुलदान नीचे है, उस तरफ है, उस तरफ बना हुआ है। पहले कभी रहाइश थी यहाँ? क्योंकि इसका गेट भी इस तरफ है ना, अलग ही है इसका। और ये कुछ, ये जो कुछ भी निशानियाँ मिली है मेरे ख्याल से ये प्लाट खाली होने के बाद ही हुआ होगा था भी। इससे पहले लोग रहे होंगे यहाँ पे। ऊपर चले चले जंगल है सर भाई। जंगल है। अब भी नहीं है। ये खासियत है जो बट नजर आ रही है। एक आध दो शेड है। नहीं वो जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है घूम करके निकला है ना।
देख लें आप। पहाड़ पर भी कोई नजर नहीं आ रहा है। फील अच्छी नहीं थी। संभाल बलूचिस्तान में नहीं मिली थी यार जब हम गए थे, लेकिन इतनी खबरें भी कहीं नहीं मिली यार, आज तक कहीं नहीं मिली, इतनी ज्यादा नहीं मिली। तो है वैसे जी कोई तो मिले जिससे बात हो सके, सड़क के किनारे ही है, देखते हैं पता करें, बाहर चेक करते हैं कोई ना कोई मिले। अगर हम भी इसे हटाएंगे ना साहब भाई पूरी मिट्टी तो कम से कम यहाँ तक गड़ा होगा इसका, और खुदाई कोई क्यों करेगा। उधर क्यों कोई खुदाई करेगा उसमें यार, वो तो बड़ा अजीब सा गड़ा है वो। मंदिर में घंटी रखती है ना। हाँ वैसे ही है वो भी, फिर कुछ अजीब सी आवाजें भी आई हैं यार सर, कोई कुत्ता भी नहीं नजर नहीं आ रहा अभी तक, गधे की आवाजें आई हैं। कुत्तों की डेड बॉडी मिली है, गाय की मिल गई। तबाही महसूस हो रही है, तबाह हाल नहीं होता जी, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ऐसा, खैर करे गिर जाएगा कभी भी। ये मकान ये जो बाहर देख रहे हैं आप, हाँ ये प्लेयर, हाँ ये देख के लग तो रहा है कि ये ज्यादा बारिश हो गई या किसी का हाथ लग गया, ये जोर पड़ गया गिर जाएगा। गीला इसलिए है कि बारिश हुई है बहुत सारी सर, रोड पर बिल्कुल।
साथ हैं। सुराख ही ना हो जाए, इधर भागे थे कोई लोग, इधर भागे थे। कौन भागा था? ये लोग बकरे को चूसता है, गाय को खून खून। तो लोग भाग रहे थे? लोग भाग रहे थे। कहाँ से? इस जगह से। कौन कौन? बहुत थे, हमारे फैमिली था, वो चला गया। फैमिली से चली गई? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ सर इस तरह के घर में। तो कितने जानवर हो गए, हलाक हो गए? बहुत हो गए, सभी 27 हो गए मेरे ख्याल। 27? खून चूसता है, खाली खाता नहीं, खून चूसता। छुपा कैमरा है? क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? यही टाइम हुआ, सात का टाइम हो रहा था। यही टाइम था? यही टाइम। क्या कह रहे थे भागते हुए? बोला भला इधर, भला इधर, भला। सही तो कह रहे थे। दिखा सकते हो हमें कहाँ से भागे? कहाँ से भागे? कोई इधर से भागे, कोई इधर से भागे। करीब चल के देखें। चले एक महीना पहले? एक महीना पहले। तो फैमिली अब गांव चली गई? हाँ। और जानवर? जानवर देखो, खून चूस लिया, कोई मर गए। सारे मर गए? हाँ। या सिर्फ आपके मरे या आसपास और लोगों के भी मरे? आसपास और लोगों के मरे। कितनों के? बहुत लोगों के मेरे ख्याल। आप लोग क्या कहते हो इसको जो खून पीता है? भला। भला कहते हो? भला। इतने बड़े बाल होते हैं, उसके नाखून होते हैं इतने इतने बड़े बड़े। किसने देखा? हमारे जगह मजदूर थे ना, उसने देखा। वो कहाँ है मजदूर? वो अभी चले गए। अल्लाह, देखा है? वही हुलिया बता रहे हैं यार, छुपा कैमरा का हुलिया बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, क्या हुलिया बता रहे थे? बाल नाखून? क्या बाल भी थे, नाखून इतने इतने बड़े थे। और कितना लंबा था, कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, नाखून 5 फुट। 5 फुट।
सेम वही एग्जैक्ट वही यार। तो ये कहाँ से भागे? कोई उधर से भागे, कोई इधर से भागे। कितने लोग थे? बहुत थे, मेरा एक फैमिली था, मेरा भाई का घर था ये। अब तो भाई का घर था, अभी मैं नहीं रहता उधर, डर से। तो वो तो सिर्फ जानवरों को हमला करता है ना, बंदे क्यों भाग रहे हैं? कोई बस आजयपुर। अच्छा, कोई भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं। किसी जान किसी इंसान पर तो हमला नहीं किया? ना, सिर्फ जानवरों पर। जानवरों तो पकड़ नहीं सके उसको कोई? इतना 5 फुट का कोई नहीं पकड़ सकता। इधर तो असला वसला भी है आप लोगों के पास? असला पीछे आते, वो भाग जाते पीछे आते, गुम हो जाते। कोई ना, वो जंप करता है ना आगे। इधर आओ, तो भाई भाभी बच्चे सब थे इधर? हाँ, इधर थे सारे। और ये मजदूर काम कर रहे थे? हाँ, इधर मजदूर काम, वो भी छोड़ के चले गए। तो एक मजदूर ने देखा, कई लोगों ने देखा? दो मजदूर ने देखा, बोले इधर बला है, इधर बला है, इधर बला है। यार बला कह रहे हैं, सोच रही है। हिंदी में बला ही बोलते हैं। छुपा कैमरा को बला ही कहते हैं। ये जो खड्डे यहाँ पे खुदे हुए हैं, कब्रें निकली हुई हैं, ये क्या है? इसलिए उन्हें इधर बला है। इधर है? हाँ। गुम हो जाते बस। तो आप लोगों ने कोशिश की? बहुत बड़ा है, देख कितना कोट बड़ा है, इतना बड़ा है, फिर भी आवाज आता है, फिर आवाज आता है, लड़िया करता है। क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं आवाजें आती है, आवाजें आती हैं, छलांग लगा के आ जाता है, बहुत बात जाती है। 20 फुट? हाँ। बाबा वो 20-20 फुट जंपे मारता है, हमने सुना है। हाँ। यहाँ से जंप मारी उधर, उधर से मारी उधर, गुम हो जाते हैं। भाई भाई इधर आना, ये किसने किया है? भला ने किया। भला ने किया है? भला ने। शायद वो अपनी जगह बनाता है, जगह बना शिकार करके आता है, शिकार करके। वो इस टाइप की गड़े होते हैं शायद, उसमें घुस जाता है, घुस जाते। मतलब वो मट्टी के अंदर रहता है, जो हम समझ रहे हैं दरियाओं में, नदियों में, या पहाड़ों पे तो रहता होगा। वो पहाड़ों पे रहता होगा, वो भी गार नुमा चीज़ होती है ना। अजय भाई, इसका कहना है कि जहाँ गार वगैरह ज्यादा होते हैं ना, पहाड़ हैं जैसे सामने हैं, उस तरफ हैं, उस तरफ हैं, ये पहाड़ों के बीच में पत्थरों के बीच से निकल जाता है अंदर। मतलब उसको खड्डा चाहिए छुपने के लिए, वो सबको देख सकता है, सबको, कोई नहीं देख सकता है। से यही दिन होते हैं, याद है 2-3 साल लगातार बकरा ईद के दिनों में आसपास ही ये चीज़ बढ़ी, बारिशों में ये चीज़ बढ़ी, अभी फिर वही मौसम है, माहौल है, और ये फिर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें उसके खड्डे मिल रहे हैं। सुहेल भाई, मतलब वो निकला था ज़मीन से, रिकॉर्डिंग में चेक भी कीजिएगा। इधर आए, ये कौन लाया है इधर? ये उसका जो काम है, भला गई।